अब समस्या आ जाती है, अब उनका वोट गिर गया है, उन्होंने वोट डाला नहीं है, वो भी अपना सबूत पेश करते हैं कि ये देख लीजिए मेरा हाथ चेक कर लीजिए कहीं से आई लगा हुआ नहीं है, मैंने अपना मत नहीं डाला। अब चूंकि ईवीएम में तो डॉन हो गया आपका वोट, अब इस स्थिति में क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? वह वास्तविक मतदाता है, आप उसको लौटा नहीं सकते हैं और उसका वोट गिर चुका है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या कीजिए? ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर बूथ पर 20 मत पत्र दिया जाता है, बैलेट पेपर मत पत्र। अब जो वह व्यक्ति आया है जिसका वोट पहले से गिर चुका है, वह ईवीएम के जरिए अपना मतदान नहीं कर सकता। अब पीठासीन पदाधिकारी उन्हें एक मत पत्र देंगे और एक लिफाफा देंगे, वह लेने के बाद वे मतदान कक्ष में जाएंगे, एरो क्रॉस का मार्क लगाएंगे, मतपत्र को मोड़ेंगे, लिफाफे में डालेंगे और फिर ले आकर के पीठासीन पदाधिकारी को इस प्रकार जो वोट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं? टेंडर। तो आप लोगों ने समझ लिया कि प्रॉक्सी वोट क्या होता है, टेंडर वोट क्या होता है। एक आ जाता है चैलेंज वोट, इनको अगर जानकारी हो तो थोड़ा सा सवाल जवाब से थोड़ा लोगों को याद अच्छा से आता है, थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिए सर, शायद ऐसा कभी हुआ हो। पहचान पत्र अगर पहचान में पग मारी है, पहचान में पग मारी है तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे वोट देना है, मेरा पहचानी है और मैंने वोट नहीं दिया है तो उसका 2 रुपये लगता है और पर्ची लेना होता है, फिर वोट दे सकते हैं। ठीक है, आप 50-50 पे हैं, आधार का सही है। देखिए होता क्या है कभी कभी, तो आप लोग देखे होइएगा कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जब मतदान शुरू होता है तो वहाँ जो मतदान अभिकर्ता होते हैं पोलिंग एजेंट, वो वहाँ के लोकल आदमी नहीं होते हैं। तो मान लीजिए आप चले गए वोट गिराने अपने दोस्त के नाम, आपका दोस्त है लेकिन चला गया, आप चले गए, तो मतदान अभिकर्ता के द्वारा चुनौती पेश किया जाता है, चैलेंज किया जाता है कि सर ये वह व्यक्ति नहीं है जिसके नाम पर यह वोट गिराने आया है, इसको हम लोग चैलेंज बोलते हैं। जब मतदान अभिकर्ता किसी व्यक्ति के पहचान पर संदेह जाहिर करता है तो हम लोग उससे एक प्रपत्र भरवाते हैं और उसके बाद उसे 2 रुपया का राशि जमा करवाते हैं, उसके पश्चात हम लोग उस मतदाता का वेरिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है भाई, आपका सारा हो गया, आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। अगर एक पहचान पत्र से उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा हो, नहीं मैच कर रहा हो, तो दूसरा भी मांग सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद अगर वह मतदाता वास्तविक मतदाता होता है कि हाँ यह वही व्यक्ति है जिसके नाम पर यह वोट गिराने आया है, उसको हम लोग साधारण तरीके से वोट गिराने देते हैं। और वो जो मतदान अभिकर्ता का जो चैलेंज कर रहा था उसका 2 रुपया का राशि जब्त हो जाता है। और अगर मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट का अगर चैलेंज सही हो जाता है और वह आदमी दूसरा आदमी पाया जाता है जिसके जगह पर वो वोट गिराने आया है, उसको हम लोग तत्काल पुलिस के हवाले कर देते हैं, उसके बाद उसको जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। समझ गए चैलेंज वोट क्या होता है, टेंडर वोट क्या होता है, प्रॉक्सी वोट क्या होता है। आप लोगों को क्वेश्चन में इस प्रकार का सवाल आएगा, इसीलिए गौर से सुनिए। अब एक होता है टेस्टिंग वोट। टेस्टिंग वोट बता दे सर, अपनी कुछ कहिएगा, आप लोग पुराने हैं इसलिए आपको थोड़ा सा सलाह कर ये लेते हैं। टेस्ट वोट क्या होता है तो आप लोग को पता है कि मतदान से पहले मॉक पोल होता है। मॉक पोल क्यों होता है? देखिए मॉक पोल का मुख्य उद्देश्य होता है, मॉक पोल मतलब होता है दिखावटी मतदान। मॉक पोल का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे पास जो मशीन आया है, जो मशीन हमको मिला है, वह प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, इसमें डेटा क्लियर है या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, इसकी हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। और इसकी जांच पड़ताल करने के बाद हम स्वयं भी संतुष्ट हो जाते हैं और जो मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट उस समय में उपस्थित रहते हैं उनको भी संतुष्ट करा देते हैं कि देख लीजिए आप भी संतुष्ट हो जाइए, हमारा मशीन
प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जब मॉक पोल हो जाता है उसके बाद जब मतदान का समय निर्धारित होता है उस समय हम लोग वास्तविक मतदान शुरू करते हैं। हम लोग आश्वस्त हो लिए हैं सब आदमी, हमारा मशीन एकदम पूरा ठीक है। अब जब मतदान शुरू हो जाता है, शुरू होने के पश्चात एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद या कभी भी कोई व्यक्ति आता है, वह अपना सारा प्रोसेस करता है। करने के बाद आपके पास आता है, पर्ची देता है, उंगली दिखाता है और आप उसको बैलेट इशू करते हैं। वह मतदान कक्ष में जाता है, मत डाल के वापस आता है और बोलता है, सर गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? हम डाले 3 नंबर पे, पर्ची निकला 5 नंबर का, आपकी जरूरी अगर तो उसको समझाएंगे कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि हम लोगों ने, सभी आदमी ने, मतदान अभिकर्ता सब मिल करके हम लोगों ने इस मशीन का जांच कर लिया है, मतपोल करके देख लिया है, यह मशीन पूरी तरह से ठीक है। फिर भी वह आदमी अपने बात कर रहा हुआ है, तभी हुआ होगा या क्या हुआ नहीं हुआ हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे समय में ऐसा हुआ है। हम डाले हैं 3 नंबर पे, पर्ची निकला है 5 नंबर का। उस परिस्थिति में उससे एक हम लोग प्रपत्र भरवाते हैं, 49 MA। कौन सा? 49 MA। उसकी घोषणा होती है उसमें। वो भरवाने के बाद तब निकासी अधिकारी, एक दो मतदान अभिकर्ता जो वहाँ पुलिस बल के लोग हैं, वो सब मिल करके हम लोग मतदान कक्ष में जाते हैं और सबके समक्ष करते हैं, चलिए अब आप जो है एक बार फिर से किसको डाले थे 3 नंबर को डाल के निकालिए। वह 3 नंबर को वोट डाला, सबके सामने पर्ची गिरा। अगर वो पर्ची सही में 5 नंबर का निकल गया, मतदान को तत्काल क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा, कंट्रोल रूम फोन किया जाएगा और दूसरे मशीन की मांग की जाएगी। अगर वह 3 नंबर को डाला और 3 नंबर का ही पर्ची निकला तो वह आदमी तत्काल अरेस्ट हो जाएगा। 49 MA फॉर्म करता है कि मैं घोषणा करता हूँ अगर मेरा दावा गलत निकला तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तो वह तत्काल अरेस्ट हो जाएगा। तो वह जब अपना वोट पहले गिरा चुका था, वो अपना वोट गिरा चुका था, उसके बाद जो वह दावा कर रहा है कि इसमें गलत वोट गिर रहा है, तो हम उसके नाम की मतदाता 17A रजिस्टर में के जो पास रहता है उसमें फिर से उसका एंट्री करेंगे और फिर जो उसको वोट गिराने कहेंगे।